इंटरनेट का कैप्टन हूँ, मैं कैप्टन हूँ हमारे चैनल का, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू गाइस ऑन योर चैनल जेका, एंड हियर वी आर एट द अनदर रिव्यू एपिसोड। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अगेन एन इंडियन विस्की जो अमृत वेरी फेमस डिस्टिलरी से आती है, मैकिंटोश। ये है इसका सिल्वर एडिशन, इट वॉज अ लिमिटेड एडिशन विस्की, बट ये विस्की इतनी चल गई कि लिमिटेड एडिशन रहा नहीं और ये परमानेंट हो गया और इसे सिल्वर एडिशन के नाम से ये यूजुअली आपको मार्केट के अंदर मिलती है। सो ये सिल्वर एडिशन इसलिए लॉन्च किया गया था एज ए लिमिटेड एडिशन, मैकिंटोश हैड कम्प्लीटेड 25 ईयर्स, तो उनकी जो सिल्वर जुबली थी उस पर उन्होंने ये लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया था। आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इंडियन विस्की इज फ्री फ्रॉम मोलेसिस, तो आप बिल्कुल बेशक इसे पी सकते हैं, इसके अंदर मोलेसिस नहीं है, जो हमारी यूजुअल इंडियन विस्कीज की छोटी सी कमी है, जो और आई थिंक वो कमी इसलिए है बिकॉज इंडियन विस्कीज आपको आप प्रेफर करते हैं कि आपको वो काफ़ी रीजनेबल रेट्स में मिले, तो उसमें मोलेसिस यूज़ होते हैं, बट इस विस्की के अंदर मोलेसिस बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन आवर कलेक्शन टैग। कलेक्शन टैग से मैकिंटोश फ्रॉम इंडिया, इंडियन विस्की है, बॉटल इन नवंबर 2020 एंड परचेज्ड इन दिसंबर 2020। आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आई एम श्योर आपको पता होगा व्हाई आई कीप दिस कलेक्शन टैग। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज हैंडमेड कलेक्शन टैग आई कीप फॉर माय रिकॉर्ड्स। आई हैव माई होम बार और वहाँ पे जब मैं ये विस्कीज कलेक्ट करता हूँ, सो आई एम नॉट श्योर कि ये विस्कीज कितनी चलने वाली है, अगर ये लंबे टाइम तक मेरे पास रहती है, सो आई विल हैव अ यू नो रिकॉर्ड कि ये विस्की मैंने कब खरीदी हुई है, कब बॉटल हुई है, सो दिस द स्मॉल इन्फॉर्मेशन आई कीप फॉर माई होम रिकॉर्ड्स। चलो लेट्स अनबॉक्स दिस विस्की। सॉरी गाइस, व्हाइल आई से कि मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, एक्चुअली अनबॉक्स नहीं है, ये विस्की पहले अनबॉक्स हो चुकी है और इसमें से थोड़ी पी भी चुका हूँ मैंने, बट ठीक है, हमें थोड़ी सी चाहिए इसकी रिव्यू करने के लिए। आई कीप दिस टैग असाइड। यस, आपको इस विस्की के साथ में एक ग्लास मिलता है जिस पर लिखा हुआ है मैकिंटोश सिल्वर एडिशन। मुझे इस ग्लास की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, स्पेसिफिकली ये जो प्रिंट किया हुआ है ये सब जगह स्प्रेड अक्रॉस है, बट इट्स फाइन, आप अपने ग्लास से विस्की पीते हैं यूजुअली, बट ठीक है, दे तो रही है साथ में एक ग्लास, सो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। हियर इज द बॉटल, इस कैप को मैं साइड में कर देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस विस्की इन मोर डिटेल। इस विस्की की बात करें सो यस, इट्स अ 750 ml विस्की बॉटल और आपको इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ मिलती है 42.8 की। इस बॉटल की प्राइस है 1450 इन मुंबई, आपके स्टेट में कुछ अलग होगी आई एम श्योर इफ यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट देन महाराष्ट्र। इस विस्की के अंदर यूज़ हुए हैं मॉल्स फ्रॉम अमृत डिस्टिलरी और उसके साथ साथ में ग्रेन्स यूज़ किए गए, कॉर्न, राइस एंड अदर ग्रेन्स टू। इसमें जो बाली यूज़ हुई है वो राजस्थान और पंजाब से ली गई है और इन्हें अमेरिकन ओक वुड्स के अंदर एज किया गया है एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट दिस विस्की। So, I think this was pretty much information about this whiskey. चलो खोलते हैं इसे, पोर करते हैं और पहले नोज करके देखेंगे कि नोज पे क्या नोट्स देती है ये whiskey. कलर की बात करें तो I think गोल्ड सा कलर है इस whiskey का। Anyways, इसके अंदर आर्टिफिशियल कलरिंग यूज़ हुई है। So, let's start with nosing. मॉल्ट्स, आई वुड से जो फर्स्ट नोट मिला है मुझे मॉल्ट, इसके साथ में आई थिंक नटी नोट्स आ रहे हैं, इसके अंदर नटीनेस है काफ़ी, आई थिंक आलमंड के नोट्स हैं, इसके अलावा हल्के हल्के स्पाइसेस हैं इस विस्की के अंदर, आई थिंक जिंजर है इसमें और मे बी क्लोव।
a tinge of smoke. I'm not sure 1450 ki price ke andar, though it's an Indian whiskey, I think a tinge of smoke I can feel. नोज पे आ रहा है मुझे, हल्का सा स्मोक आ रहा है एट द एंड, ऐसा लग रहा है. चलो टेस्ट करते हैं इसे. आई विल से काफी स्पाइसी है ये विस्की, जो नोजिंग पे भी जो स्पाइसेस आ रहे थे आई कैन वेरी इजीली फील. पैलेट पे भी काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं. आई थिंक इसके अंदर जिंजर है ऑफ कोर्स, इसके साथ साथ में इसके अंदर सिनेमन है और इलायची भी आ रही है आई थिंक इसके अंदर. सो ओवरऑल देखने जाए ना, इट्स ए काइंड ऑफ, आपको जब बिना दूध की चाय पीनी हो ना, मसाला चाय, आप इस विस्की को ट्राई कर सकते हैं. काफ़ी अच्छे स्पाइसेस हैं इसके अंदर. Let me take another sip and see और क्या क्या मिलता है इस whiskey में. हल्की सी स्वीटनेस है उसके साथ में, साथ साथ में बोलूंगा कि हाँ हल्का सा स्मोक भी है इसके अंदर. जो हिंट ऑफ स्मोक आपको नोज पे मिल रहा था, जो मुझे नोज पे फील हो रहा था, हल्का सा स्मोक है इस whiskey के अंदर. So I think overall it's a good whiskey, और जिस प्राइस रेंज के अंदर ये whiskey ऑफर की जा रही है विदाउट molasses, और जो इसके इसका जो जो टेस्ट है, कॉम्प्लेक्स टेस्ट है या कुछ, काफ़ी अच्छा है 1450 रुपए के अंदर, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड बजटेड इंडियन whiskey, molasses फ्री whiskey. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस whiskey को ट्राई करें. अगर आप जैसे कि मैं बोलूँगा कि सिमिलर प्राइस रेंज में आप सिग्नेचर, ब्लेंड स्प्राइट ये कोई भी विस्की पीते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप एक बार इस विस्की को भी डेफिनेटली ट्राई करें. सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज रिव्यू, और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट आप और आपके फ्रेंड्स साथ में अगले वीडियो को एंजॉय कर पाएँ. और उस घंटे को भी प्रेस कर दो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ. ऑलराइट, सो सी यू, बाय बाय.